मदारे फातिमा, हाय 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 मदारे देखिए, आज ईद की 8 तारीख 8 शव्वाल को हर साल शहीद स्मारक लखनऊ पर जालिम सऊदी अरब के जुल्म के ख़िलाफ़ जो उसने रसूलुल्लाह की बेटी जनाबे फ़ातिमा ज़हरा और हमारे इमामों के क़बूर पर किया, यानि इनके रोज़ों को मुनहदिम किया लगभग आज से 90 साल पहले, उसके ख़िलाफ़ हर साल एहतिजाज किया जाता है। चूँकि इस साल लॉकडाउन का ज़माना है, हम जाके वहाँ पर एहतिजाज नहीं कर सकते, लिहाजा आज हमने यहाँ पर एक टोकन प्रोटेस्ट किया है और टोकन प्रोटेस्ट करके अपना एहतिजाज दर्ज कराया है। मैं तमाम लोगों से, तमाम जनाब फ़ातिमा ज़हरा से अक़ीदत रखने वालों से और इमामों से, चाहने वालों से कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर अपना एहतिजाज दर्ज कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ एहतिजाज बुलंद कीजिए। यह इस वक्त यहाँ पर जो एहतिजाज हुआ, ये एक टोकन और अलामती एहतिजाज है। हमने टोकन और अलामती एहतिजाज करके बता दिया कि देखिए, ज़माना कोई भी हो, हालात कैसे भी हों, हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये हमको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबक सिखाया है और तालीम दी है। कहा, देखो, तुम अकेले भी अगर होना तो तुम अगर हक़ के रास्ते पर हो तो तुम सामने वाले से टकरा जाना, इसलिए कि सामने जितना ही बड़ा लश्कर क्यों ना हो, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यह हमको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिखाया कि एक तरफ 3 दिन के भूखे और प्यासे 72 थे, दूसरी तरफ लाखों का लश्कर था। लाखों का लश्कर का आज कुछ अता पता नहीं है। जो 72 थे वो 72 लाख होके, 72 करोड़ होके, 72 अरब होके आज पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं और इंसानी दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। आतंकवाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे साथ शायर अहले बैत जनाब नैयर मजीदी साहब हैं और हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि आज उन्हीं ने किस सिलसिले में एहतिजाज किया। नैयर साहब, ग्राफ टीवी ये जानना चाहता है कि आपने आज लखनऊ में जो एहतिजाज किया वो किस सिलसिले में था? आज का एहतिजाज हमारे आखिरी रसूल यानी सैयदुल मुरसलीन रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी, जिन्हें सैयदुल निसा आलमीन के लक़ब से तमाम दुनिया जानती है, तमाम कायनात जानती है और उनका एहतराम करती है। आज से तकरीबन 90 साल क़बल जन्नतुल बक़ी जो मदीने में वाक़े है और वहाँ हमारी शहज़ादी की कब्र है और दीगर मासूमीन की भी कबूर हैं, तो ये रोज़ों की शक्ल में थीं। चुनांचे सबसे बड़ी मज़लूमा बीवी कायनात की, हमारे आखिरी रसूल की इकलौती बेटी सैयदतुल निसा आलमीन की कब्र को जो रोज़े की शक्ल में थी, उसको ढा दिया गया। सऊद और आले सऊद के मज़ालिम सारी दुनिया पर आशिकार हैं, जब से आज तक वो शीयत की दुश्मन रही है और उन पर मजालिम करती चली आ रही है। तो बहरहाल जहाँ भी हैं वहाँ से सदा एहतिजाज बुलंद करते हैं, सऊद और आले सऊद के ख़िलाफ़, वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़। क्योंकि इस साल हमारी हुकूमत की पॉलिसी ये रही और कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, सब के लिए जो आदेश हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी उसके रहने वाले हैं, तो हम पर भी ये लाजिम होता है कि हम हुकूमत के बनाए हुए कवानीन का पालन करें। लिहाजा हम उस तरीके से तो नहीं जमा हो सकते लाखों की तादाद में, लेकिन चंद लोगों को ले करके हमने अपनी सदा एहतिजाज बुलंद की है। हजरात, आज 8 शव्वाल है, इन्हदाम जन्नतुल बक़ी का दिन है। आज ही के दिन रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार को मदीने में जन्नतुल बक़ी में मुनहदिम कर दिया गया था। हर साल हम 8 शव्वाल को शहीद स्मारक पर एक ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट करते थे जन्नतुल बक़ी की तामीर नौ के वास्ते। आज करोना वायरस की वजह से हमको वहाँ के ऊपर इजाज़त नहीं मिली, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये रिक्वेस्ट की कि हमें सांकेतिक प्रदर्शन की इजाज़त दी जाए, तो उन्होंने हमें इजाज़त दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख के हमने आज ज़बरदस्त तरीके से सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट ही नहीं किया, बल्कि हमने में अपना मेमोरेंडम भेजा सऊदी हुकूमत को थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, और हमने वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को यहाँ से ख़त लिखा और ख़त लिखे हमने कहा कि आप फ़ौरन हिंदुस्तान सरकार सऊदी हुकूमत के ऊपर दबाव बनाए ताकि जन्नतुल बक़ी की दोबारा तामीर हो सके।